नमस्कार दोस्तों, फिटिंग की हैंड टूल्स के साथ फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैलिपर्स की। कैलिपर्स आर सिंपल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू ट्रांसफर मेजरमेंट्स फ्रॉम ए स्टील रूल टू ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे कैलिपर्स जो होते हैं ये सिंपल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और क्या करते हैं, मेजरमेंट को स्टील रूल से ट्रांसफर करते हैं ऑब्जेक्ट तक या उससे उल्टा करते हैं। कैलिपर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ द जॉइंट, बाकी के जो जितने भी हैं डिपेंड करते हैं किस पर, जॉइंट पर, ये जॉइंट के बेस पर इनको डिवाइड किया गया है। एंड द शेप ऑफ द लेग, या इनकी शेप, जो लेग की जो शेप है उसके बेस पर। द कॉमनली यूज्ड कैलिपर्स आर, जो मुख्य रूप से कैलिपर्स इस्तेमाल किए जाते हैं कौन कौन से, नंबर एक होता है फर्म जॉइंट कैलिपर्स। ये क्या होते हैं, इन द केस ऑफ फर्म जॉइंट कैलिपर्स Both legs are pivoted at the end. दोनों जो आर्म्स हैं वो एक एंड पे जाकर पिवेटेड हो जाती हैं। To take measurements of a workpiece, जिस वर्कपीस के हमको मेजरमेंट लेनी है, the caliper is opened roughly to required size. मान लिया मुझे इसकी ये लेनी, लेंथ ये लेनी है इसकी, तो पहले मैं उसको जो कैलिपर है मेरा उसको मैं रफली खोल लूंगा पहले कि कितना लगभग इतना आइडिया होता है इतना उसको पहले खोल लूंगा। उसके बाद क्या कर दूंगा, फाइन सेटिंग इज डन बाय टैपिंग द कैलिपर लाइटली ऑन ए वुडन सरफेस। ऑब्वियसली जो है वुडन सरफेस के ऊपर रखने के बाद उसको धीरे से उसको जो है टाइट करना है। फाइन सेटिंग इज डन किसके थ्रू, टैपिंग के थ्रू करते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट ये इसका फिगर है दोस्तों, ये फर्म जॉइंट वाला है, ये यहां पर पिवट पॉइंट है, यहां से दोनों ये इसकी क्या है लेग्स हैं। नेक्स्ट है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स, ये स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स दे रखा है, ये इसकी लेग्स होगी, ये इसके अंदर एडजस्टिंग नट है। तो क्या होते हैं, फॉर दिस टाइप ऑफ कैलिपर्स द लेग्स आर असेंबल बाय मींस ऑफ ए पिवेट लोडेड विद ए स्प्रिंग। ये जो होती है पिवेट लोडेड स्प्रिंग होती है जिसके अंदर जो है दोनों जो आपस में दोनों को जोड़ देते हैं इसी दोनों लेग्स को। फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द कैलिपर, कैलिपर को बंद करने के लिए या ओपन करने के लिए खोलने के लिए लेग्स ए स्क्रू एंड नट आर प्रोवाइडेड। तो इसकी लेग्स के साथ जो है नट दिए हुए थे, जैसे जैसे इसको हम अंदर को टाइट करेंगे तो ये जो है टाइट होता जाएगा, बाहर को खोलेंगे तो जो ये ढीला होता चला जाएगा। उसके बाद स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स हैव द एडवांटेज ऑफ क्विक सेटिंग, इनके अंदर क्या फायदा होता है, एक क्विक सेटिंग बहुत जल्दी से हो जाती है इसे। द सेटिंग मेड विल नॉट बी चेंज अनलेस द नट इज टर्न्ड, और जब तक हम इस नट को ढीला या टाइट नहीं करेंगे तब तक जो इसकी डायमेंशन वही रहेगी, उसकी डायमेंशन कोई चेंजिंग भी नहीं आ सकती। द साइज ऑफ ए कैलिपर स्पेसिफाइड बाय इट्स लेंथ, जो इसका जो साइज, ये यहां से इस पॉइंट से लेकर के पिवट पॉइंट से लेकर के जहां तक लेग की जो डिस्टेंस होती है इसको लेंथ बोलते हैं। तो इस पर डिपेंड करता है, स्पेसिफाइड बाय इट्स लेंथ, लेंथ के बेस पर इसको स्पेसिफाई करते हैं। Which is the distance between the pivot center and the tip of the legs? Leg के tip से लेकर के pivot point तक के बीच जो distance होगी, that is called its length. और इसी के बेस पे इनको specify किया जाता है। ये दोनों दोस्तों, इसके ये हो गया हमारा firm joint का figure, दूसरे वाला हो गया हमारा spring joint का figure. तो figure आ जाता है, नाम पूछ रहे थे कि कौन सा caliper है, तो उसके बेस पर इनको बताना। The accuracy of the measurement taken depends very much on the sense of feel or touch. अब जो हमसे जो accuracy की बात करें, तो sense of feel और touch के बेस पर ही कि हाँ भाई ये मैंने यहाँ से इसको नाप लिया, सेंस कर रहा हूँ मैं यहाँ तक कितना, और टच करके देखा इसको बॉडी को, तो सेंस और टच के बेस पर ही जो क्या कर सकते हैं इसको मेजरमेंट को अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, accuracy ला सकते हैं इसके। While measuring the job, जब हम जॉब को नापते हैं, we should get the feel when the legs are just touching the surface. जैसे जो है surface को वो touch करेगी, तो हमको feel हो जाना चाहिए कि जो मतलब इस object जो इसको measure कर लिया distance को। Calipers are used for outside measurements are known as outside. Feel ये and legs are just कैलिपर आर
used for outside measurements are known as outside calipers. जिन कैलिपर से आउटसाइड मेजरमेंट ली जाती है उनको आउटसाइड कैलिपर बोलते हैं, और जिनसे जो है इनसाइड डायमेंशन ली जाती है उसको जो हम क्या बोलते हैं, इनसाइड कैलिपर, इंटरनल कैलिपर बोलते हैं। जिनसे हम इंटरनल मेजरमेंट लेते हैं वो हो गए हमारे इनसाइड कैलिपर। तो दो तरह के हो गए, एक आउटसाइड और एक इनसाइड। किस पर डिपेंड करता है दोनों का? लेग्स पर। तो जो बार जिसकी जो बार इनसाइड वाला होगा उसकी लेग बाहर को खुलेंगी और जो इनसाइड होगा उसकी लेग जो है अंदर को होंगी। द रीडिंग एक्यूरेसी ऑफ द कैलिपर इज, कैलिपर की जो रीडिंग एक्यूरेसी है वो 0.5 mm है। जैसे कि हमारी स्केल की जो थी उसकी लीस्ट काउंट की बात करें, अल्पत मान की बात करें तो 0.5 mm। नेक्स्ट है दोस्तों बेंच वाइज। पीछे भी एक फिगर बना देता है लेकिन ये फिगर दोबारा बताना पड़ रहा है आपको, वहां पे जरूरी नहीं था लेकिन यहां बनाना जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट होता है इसका जो बेंच वाइज का, बेंचवाइज कई प्रकार की होती है लेकिन यहाँ पर हमने बेंचवाइज के बारे में डिवाइड किया गया है। ये बेंचवाइज हमारी, ये इसके हार्ड जॉज है, ये इसकी ब्रेथ ऑफ द जॉज है यहाँ से यहाँ तक, ये इसके फिक्स जॉ हो गए पीछे, ये मूवेबल जॉ हो गए इसके, और ये आपका हैंडल है, ये आपका स्पिंडल है। तो इन दोनों जॉज के बीच में जो है हम ऑब्जेक्ट को जो है फंसा करके टाइट कर लेते हैं और जो भी उसे वर्क करना होता है वो फाइलिंग वगैरह हम इस पे कर लेते हैं आसानी से। तो बेंचवाइज क्या होती है? बेंच वाइज आर यूज टू होल्ड वर्क पीस, ये वर्क पीस को पकड़ने के कार्य करती है। दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स, ये कई टाइप्स की होती है। द वाइस यूज फॉर बेंच वर्क, जो बेंच वर्क के लिए इस्तेमाल की जाती है, इस वाइस फाइल का जो यूज होता है, मतलब इस वाइस का जो यूज होता है वो हमारा किसके लिए होता है? बेंच वर्क के लिए, फिटिंग के अंदर जो उसको बेंच वर्क का वर्क भी बोलते हैं, बेंच वर्क कार्य। इट इज अ बेंच वर्क वाइज, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम बेंच वर्क की वजह से बेंच वाइज बोलते हैं। बेंच वाइज इज मेड ऑफ कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। ये दोस्तों जरूर ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन जरूर आता है कि जो वाइस जो होती हैं किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील। एंड इट इज यूज टू होल्ड वर्क फॉर फाइलिंग, स्वीविंग, थ्रेडिंग एंड अनदर हैंड ऑपरेशन। और इसमें क्या क्या कार्य क्या होता है, जो फाइलिंग के लिए ऑब्जेक्ट जो फंसा रखते हैं, फाइलिंग करने के लिए, स्वीविंग करने के लिए, थ्रेडिंग करने के लिए, या कोई जो भी ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको ऑपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। विड्थ ऑफ द जॉब्स, जो इसकी विड्थ ऑफ जॉब्स है इस पर डिपेंड करता है, मतलब जो दोनों जॉब्स खोल लेते हैं, एक जॉब तो सॉरी फिक्स है, दूसरे को खोल लेते हैं, जब दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे तो बाहर को आ जाएगा इसका स्पिंडल, और जो बीच में फंसा करके उसको हमारे को टाइट कर देते हैं। तो आपका द फॉलोइंग आर द साइज ऑफ द वाइस इज स्टेटेड बाय द ब्रेथ ऑफ द जॉब। अब जो इसका साइज डिपेंड करता है वो इसके जॉब पर डिपेंड करता है कि जॉब के बीच की जो ब्रेथ कितनी है, दोनों भी जॉब के बीच की जो ब्रेथ है उस पर डिपेंड करता है, सॉरी जितना चौड़ा उसका जो है जॉ है एक जॉब, उसके बेस पर जो उसकी ब्रेथ का पता चलता है। फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ ए वाइस, इसके वाइस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? ये आपके फिक्स्ड एंड मूवेबल जॉ, फिक्स्ड आपके मूवेबल ये होंगे, फिक्स्ड जॉ आपके ये होंगे। हार्ड जॉ, ये आपके बीच में कौन से होंगे? हार्ड जॉ होंगे। स्पिंडल होता है, हैंडल होता है, हैंडल बॉक्स नट एंड स्प्रिंग, इसके अंदर इंटरनल पार्ट्स हैं। द बॉक्स नट एंड द स्प्रिंग आर द इंटरनल पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स जो है मैं भी बात कर रहा था कि ये जो होते हैं आपके, यानी कि एक तो स्प्रिंग है, हैंडल बॉक्स नट, और दूसरे क्या होंगे, स्प्रिंग, इसके इंटरनल पार्ट्स होते हैं। द बॉक्स नट एंड द स्प्रिंग आर द इंटरनल पार्ट्स। तो अभी बताता है क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसे कौन से पार्ट से, इससे क्वेश्चन आता है। वाइस क्लैंप्स ऑफ सॉफ्ट जॉज, जो वाइस क्लैंप्स होती है सॉफ्ट जॉज की, टू होल्ड ए फिनिश्ड वर्क यूज सॉफ्ट जॉज। वाइस क्लैंप्स यानी जो सॉफ्ट जॉज होती है, जैसे मान लिया मैंने मशीनिंग कर ली किसी ऑब्जेक्ट पे, फाइलिंग कर ली है, तो उसको पकड़ने के लिए इस वाली मशीन का, इस वाली वाइस का इस्तेमाल किया जाता है, सॉफ्ट जॉज वाली का। मेड ऑफ एल्यूमिनियम, जो कि एल्यूमिनियम के बने होते हैं, ओवर द रेगुलर हार्ड जॉज, रेगुलर हार्ड जॉज के ऊपर से। दिस विल प्रोटेक्ट द वर्क सरफेस फ्रॉम डैमेज, इससे क्या होता है कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है वो डैमेज नहीं होगी। तो ये दोस्तों बेंच वाइज की पिक्चर होगी। अब डू नॉट ओवर टाइटन द वाइस जॉब, वाइस के जॉब को कुछ ज्यादा टाइट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज
स्पिंडल मे बी डैमेज, अन्यथा क्या होगा जो उसका स्पिंडल जो है वो डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा और एक्यूरेसी आएगी। तो दोस्तों ये आपकी फिटिंग की नेक्स्ट वीडियो होती है हैंड टूल्स रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फाइलिंग के बारे में, क्योंकि तो फाइलिंग का जिक्र होता है कि फाइल का मतलब रेती जो होती है घिसने वाली, तो कल फाइलिंग के बारे में मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको फाइलिंग के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों कमेंट्स जो आप क्वेश्चन लेसन वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो सवाल आए उनको कमेंट्स के रूप में आप लिख सकते हैं। और लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।